हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 17 नवंबर 2021। 17 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पहला क्वेश्चन आज का, भारत के किस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। केरल में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 नवंबर 2021 से शुरू होकर 19 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। यह पहल नवोन्मेष और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी ताकि नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। चलिए आपको केरल के बारे में बताते हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी। बात करें कैपिटल की तो तिरुवनंतपुरम। लोकसभा सीट की बात करें 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं यस मणि कुमार जी। बात करें शांति घाटी, जो कि केरल में ये है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ को। बात करें बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राहुल द्रविड़, जो कि भारतीय टीम के मुख्य कोच भी नियुक्त किए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। केंद्र सरकार ने आईबी के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 साल के लिए। बात करें केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने CBI और ED के डायरेक्टरों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन्नू भंडारी जी का। बात करें हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। वे 90 साल की थी। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियत थी। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उनकी पहचान पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के तौर पर होती थी। मन्नू भंडारी अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यासों आपका बंटी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं।
चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सौरभ कृपाल को। बात करें सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि वे भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं। यह फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक को जज बनाने का फैसला लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, साथ ही में वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर से सक्रिय हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेवाडो डेल रुइज। बात करें कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने कहा है कि नेडो डेल रोइज ज्वालामुखी ने शनिवार से ध्यान देने योग्य गतिविधि दिखाई है। लगभग 25,000 लोगों की मौत के साथ कोलंबिया में एक पूरे शहर को नष्ट करने वाले ज्वालामुखी ने उस विनाशकारी विस्फोट की 36वीं बरसी के दिन इस सप्ताह के अंत में राख और गैस उगली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चाइना देश ने। बात करें चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बड़ी है। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाले मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। चलिए आपको चाइना के बारे में बताते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बात करें चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेन मिन बी। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विवेक सागर प्रसाद को। हॉकी इंडिया ने 11 नवंबर 2021 को आगामी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टोक्यो ओलंपिक में सीनियर टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि 2018 युवा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली टीम के डिफेंडर संजय को उप कप्तान बनाया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विवेक सागर प्रसाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कोलकाता और मुंबई शहर। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से उत्पन्न हुई आग की खतरनाक धुएं के साथ ही शहर के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों जैसे वाहन उत्सर्जन ने स्वास्थ्य आपातकाल की चिंताओं को जन्म दिया है। इस बीच स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक प्रौद्योगिकी भागीदार भी है, ने दिखाया कि 10 शहरों की सूची में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांकों के साथ भारत के 3 प्रमुख शहर दिल्ली कोलकाता और मुंबई शामिल है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूहों में बांटा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 समूहों में बांटा है। भारत सरकार के शासन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के तौर पर एक प्रमुख प्रेरक के रूप में मोदी सरकार युवा
पेशेवरों को शामिल करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों से सुझाव लेने और परियोजना की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा अन्य कई कदमों की देखरेख करने के लिए 8 विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जिनमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। भारत और श्रीलंका देश ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस हाल ही में 15 नवंबर को मनाया गया है। बात करें मिस्र देश, 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा। कैसर हिंद को अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दे दी गई है। दक्षिण कोरिया देश ने हवाई टैक्सी को नियंत्रित करने के लिए परीक्षण किया है। बात करें केरल राज्य के वायनाड में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA का अगला प्रमुख VVS लक्ष्मण जी को नियुक्त किया गया है। बात करें ऐतिहासिक प्रस्ताव जो हाल ही में चर्चा में है, चाइना देश से संबंधित है। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे हाल ही में 14 नवंबर को मनाया गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, हंसे कला यानी हंसे आर्ट एक अनूठी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य का। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का क्या नाम है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, श्री रामायण यात्रा ट्रेन। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली और शॉर्ट जीके GS ट्रिकी वीडियोस के अपने चैनल ऑनलाइन शीडोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।